आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं रंजू आप सभी का एक बार फिर से रंजू के रेसिपीज चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो आइए जानते हैं पालक पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। पालक पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए ताजे पालक, पनीर, प्याज, टमाटर का पेस्ट, मैंने पहले से ये पीस के रखा है, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, ये भी मैंने बना लिया है, गरम मसाला, ये मैंने घर पे बनाया है, खावा सोडा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, छोंकने के लिए हींग, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा, नमक और तेल। पालक को मैंने साफ पानी में इस तरीके से बड़े भगोने में रख दिया है। पालक हो चाहे कोई भी साग आप लाए, हरा पत्ता का साग, उसे इसी तरीके से 3-4 पानी से साफ कर लीजिए। मैंने 1 किलो पालक लिया है तो मैं 100 ml पानी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं। मैं ये जो खावा सोडा है वो 1 चुटकी से भी कम डाल दे रही हूँ पहले ही, और उसको हल्का ऐसे मिला लेती हूँ। ये जो मैंने पालक धो के रखे थे उसे धीरे धीरे रख देंगे। पालक को मैंने अच्छे से रख दिया है। ये खावा सोडा इसलिए डाला था कि पालक का कलर जो नेचुरल है वो वही रहे, वो काला ना हो और इसका देखने में आकर्षक लगे। अब इसे मैं बंद करती हूँ। अब पालक को मैं गैस ऑन करके तेज आंच पर 1 सीटी लगा लूंगी। जैसे 1 सीटी मारे आप इसे बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। मार्केट से जब भी पनीर लाए तो उसे पहले साफ पानी से धो लिया कीजिए। पनीर को मैं साफ कर ली हूँ, अब मैं इसे कट कर लूंगी। आपको जिस साइज में पनीर का टुकड़ा चाहिए उस साइज में आप काट लें। मैं इसे इस तरीके से काट रही हूँ, ये देखिए ये साइज है। इस तरीके से सारे पनीर को काट के रख लीजिए। पालक जो मैंने सीटी लगाया था वो ठंडा हो चुका है, अब इसे मैं खोल के देखती हूँ। अब मैं इसे ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड कर लेती हूँ। पालक अच्छा से मैंने पीस लिया है, देखिए आप ये देख सकते हैं कितना बारीक हो गया है। मैंने कढ़ाई को अच्छे से रख दिया गर्म होने के लिए, गर्म हो चुका है, 1-2 जीरा डाल के देखती हूँ। ये देखिए हो गया है अच्छे से। अब इसमें और थोड़ा जीरा ऐड कर दे रही हूँ, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता और 2 चुटकी हींग। आप अगर हींग नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। अब ये जो मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट रखा था, आपको जितनी मात्रा में चाहिए, तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं या नॉर्मली लीजिए। मैं इसे हल्का सा भून लेते हैं। ये हमारा पेस्ट लहसुन अदरक मिर्च का अच्छे से भून गया है। अब इसमें जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट पीस के रखा था उसे भी डाल दे रही हूँ, उसे भी हमें भूनना है। 2 मिनट हो गया है, ये देख सकते हैं पानी सूखने लगा है। अब इसमें मैं 1 चुटकी नमक डाल देती हूँ, इससे प्याज अच्छे से गलना शुरू हो जाएगा जल्दी से और जल्दी पकेगा। इसे हमें मीडियम आंच पे ही ढककर पकाना है। पालक पनीर का मसाला जो हम लोग भून रहे हैं, लहसुन अदरक मिर्च प्याज टमाटर, आप देख सकते हैं अच्छे से भुना गया है। अब ये तेल छोड़ रहा है। अब इसमें मैं थोड़े थोड़े मसाले डाल दूंगी। ये है सब्जी मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये गरम मसाला है। मैं हमेशा इसे घर पे ही बनाती हूँ। मार्केट से कितनी बार भी ले आई हूँ लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई है तो मैं इसे घर पे बनाती हूँ। ये मैं 1/2 टीस्पून रख रही हूँ और इसमें अब थोड़ा सा मैं और नमक ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। इसमें कोई भी साग आप बनाएं उसमें हल्दी नहीं पड़ता है। अब इसे मैं अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी और इसमें गरम पानी रखा है
वो गर्म पानी थोड़ा सा रखेंगे जिससे मसाले अच्छे से भुना जाए। इसे हम अच्छे से पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये मसाला मेरा अच्छे से भुना गया है, आप देख सकते हैं। अब जो मैंने पालक को पीस के रखा था अब मैं उसे ऐड कर रही हूँ। पानी की ग्रेवी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि पालक को हमने उबाल लिया, उसको भी हमने पीस लिया, तो ये ऑटोमेटिक एक ग्रेवी ही हो गया। अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। इसे 1 से 2 मिनट के लिए खोलाएंगे। देखिए कलर हरा ही है ना, कलर चेंज नहीं हुआ है। पालक को 2 मिनट छोड़ दिया था, ये अच्छे से हमारा पक गया है। अब इसमें बारी है लास्ट में पनीर डालने की। तो मैं ये होटल जैसा पालक पनीर बना रही हूँ तो मैं पनीर ऐसे ही डाल रही हूँ क्यूब्स काट के। अगर आपको पसंद है तो उसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से पनीर को डाल दें और इसे फिर हम ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छे से पहले मिला लेते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ गया है। पालक पनीर हमारा बनकर रेडी है। अगर आपको इससे थोड़ा सा और गाढ़ा चाहिए तो आप इसे और पका सकते हैं, लेकिन खोल के पकाइएगा। अब मैं इसे बंद करती हूँ। तो पालक पनीर को मैंने सर्व कर लिया है प्लेट में, बाउल में ये पालक पनीर रखा है। साथ में मैंने लिया है पराठा, फुलका रोटी, राइस और सैलेड प्याज और टमाटर का। तो आप भी घर पर पालक पनीर बनाइए और इसके स्वाद का लुत्फ उठाइए। तो देखा आपने पालक पनीर बनाना कितना आसान है और कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो इसे बनाने की आवश्यक सामग्री एक बार फिर नोट कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो रंजू की रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भेजें, प्रश्न पूछें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया।